हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली फ्रॉम गोपीनाथ क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियोस में हमने 14.1 एंड 14.2 एक्सरसाइज किया है चैप्टर नंबर 14 की, और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.3। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो ध्यान से देखी है तो आपको पता होगा कि बार ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, या हिस्टोग्राम क्या होता है, या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है। तो इस एक्सरसाइज में बस हमने डाटा गिवन होगा और हमें बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ही प्लॉट करना होगा। क्लियर? तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 44 ईयर्स वर्ल्ड वाइड। अब एक सर्वे हुआ, एक ऑर्गेनाइजेशन ने किया, जहाँ से ये पता चला कि 15 से 44 ईयर्स की जो लेडीज़ हैं या वुमेन हैं, उनको कौन कौन सी इलनेस रहती है और उनकी डेथ हो क्यों, कितने परसेंट डेथ रेट है और क्या कौन सी इलनेस कितने परसेंट है। सो फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंट, और उन्हें ये फिगर्स मिली, जैसे कि कॉजेज हैं सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, जिसकी कि 31.8% फैमिली फर्टिलिटी रेट है। नेक्स्ट है न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, जिसकी 25.4 फैमिली फर्टिलिटी रेट है। फिर इंजरीज का 12.4% है, कार्डियोवेस्कुलर कंडीशंस का 4.3% है, रेस्पिरेटरी कंडीशंस का 4.1 है, और अदर कॉजेज का 22.0% है। क्लियर? तो अभी हमें करना क्या है, रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन है अब ग्राफिकली। हमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ग्राफिकली प्लॉट करनी है, मतलब ग्राफ पे हमें बार ग्राफ बनाकर इसको प्लॉट करना होगा। नेक्स्ट है, विच कंडीशन इज़ द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। कौन सी ऐसी बीमारी है जिसका मतलब जो सबसे ज़्यादा वुमेन को हो रही है, जिसका बहुत ज़्यादा कॉजेज है, तो वो हम साफ देख सकते हैं, जिसका परसेंट रेट बहुत ज़्यादा है, 31.8% वही इलनेस है जो कि सबसे ज़्यादा हो रही है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। क्लियर? थर्ड है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज सेकंड अबव बीइंग द मेजर कॉज। अब उसने बोला है कि जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा, जो सेकंड क्वेश्चन का कॉज है, यानी कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, इसका रीज़न क्या है, क्या रीज़न है कि इसका जो फैमिली फर्टिलिटी रेट है इतना ज़्यादा है। उसके दो रीज़न्स हैं। नंबर 1, मेडिकल रीज़न्स, हमारे पास जो इतनी अच्छी हमारे पास मेडिकल टीम नहीं है, या हमारे पास मेडिकल सिस्टम की कमी है, तो सबसे पहला रीज़न ये है। और जो सेकंड रीज़न है, सेकंड रीज़न है लैक ऑफ एजुकेशनल नॉलेज। बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके पास एजुकेशनल नॉलेज नहीं है अच्छी, और इक्विपमेंट्स भी नहीं है, तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो मैंने आपको मेजर रीजन्स बता दिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमें जो ग्राफिकली डाटा प्लॉट करना है, तो मैंने इसके लिए ग्राफ लिया है। तो हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे अपना पूरा डाटा। क्लियर? सो दिस इज अवर ग्राफ। ये जो हमारा ग्राफ है, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, इक्वल बॉक्सेस में डिवाइडेड है, और हर बॉक्स आगे इक्वल इंचेस में डिवाइडेड है। टोटल इसमें 10 बॉक्सेस है इसके अंदर, ठीक है। तो ये प्रॉपर हर चीज़ में इसका मतलब, अगर हम कहें कि ये इक्वली वेरीफाई करता है, तो हाँ ग्राफ इक्वली वेरीफाई करता है। इसमें हमें किसी चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं हमारी एक्स एक्सिस लाइन। तो ये मैंने ड्रॉ करी हुई है ऑलरेडी, एक्स एक्सिस लाइन। क्लियर? अब नेक्स्ट हम ड्रॉ करते हैं हमारी वाई एक्सिस लाइन। दिस इज अवर वाई एक्सिस। सो ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। क्लियर? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब हमारे पास 6 कॉजेज हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तो हो जाएगा 0, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों कट कर रहे हैं। सो दिस इज 0, और हमारे पास 6 कॉजेज हैं, और हमारा जो नंबर है यहाँ पे फैमिली फर्टिलिटी रेट, वो मिनिमम से मिनिमम 4.1 है, और मैक्सिमम कितना है 31.8। तो अब हम इसको कैसे प्लॉट करेंगे? अब हम यहाँ पे रखेंगे 5, देन 10, 15,
20, 25, 30, 35, क्लियर। अब आप चाहो तो इसमें दो बॉक्सेस का गैप भी रख सकते हो, लेकिन मैंने इतने का नहीं रखा है, मैंने सिर्फ सिंगल सिंगल बॉक्स का रखा है। और यहाँ पे हमारे पास है 6 कॉजेज, तो अब 6 की नंबरिंग देते हैं यहाँ से 0 से 1, यहाँ हम दो दो बॉक्स कैसे गैप रख सकते हैं, नॉट अ बिग डील। 2, 3, 4, 5 and 6, क्लियर। अब सबसे पहले जो है हमारा सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, वो 31.8% है, तो दिस इज़ द नंबर 1 और इसको 31.8, यानी कि दिस इज़ द 30 और इससे एक लाइन ऊपर क्या होगी, वो 31.8 होगा यहाँ पे। सो तो ये हो जाएगा हमारा 31.8%, क्लियर। सो ये हो जाएगा हमारा 31.8% और ये हमारा फर्स्ट वाला है विच इज सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस। अब सेकंड वाला है हमारा न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, इसमें है 25.4, तो दिस इज द 25 और इससे थोड़ा सा ऊपर हम कर देंगे, हो जाएगा 25.4%। सो दिस इज 25.4% के साथ न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस, क्लियर। नेक्स्ट है इंजरीज, इंजरीज में है 12.4%, तो ये 15 और ये 10 है और 12 इन दोनों के बीच में होगा, सो तो 10 और 15 के बीच में यहाँ हो जाएगा हमारे पास 12.4%, क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस, जिसकी है 4.3%, तो ये हमारे पास यहाँ पे 5 है, 0 से 5 के बीच में ये 4.3% आएगा। सो यहाँ हम 5 से थोड़ा सा नीचे लगा देंगे, 4.3%, क्लियर। अब नेक्स्ट है 4.1%, तो 4.1% 4.3 के थोड़ा सा नीचे होगा, तो हम एक स्टेप उसको नीचे लगा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4.1%। अब लास्ट है हमारे पास अदर कंडीशन, अदर कॉजेज, जो कि है 22.0, तो 20 और 25 के बीच में आ जाएगा हमारा 22.0%, तो ये है 20 एंड दिस इज़ 25, तो इसके बीच में हमारा 6th कॉज आ जाएगा विच इज़ अदर कॉजेज, तो ये होगी हमारी 20.0%। अच्छा, अभी हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नंबरिंग दी है, अभी हमें यहाँ पे लिखना भी है कि यहाँ पे कौन कौन सी बीमारी है। तो सबसे पहले है हमारे पास सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव कॉजेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूरोसाइकेट्रिक कॉजेस, नेक्स्ट है हमारे पास इंजरीज, नेक्स्ट है कार्डियोवेस्कुलर, मैंने पूरे पूरे स्पेलिंग नहीं लिखे, आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंडीशंस और अगली है अदर कॉजेस। तो ये हो गया हमारा ग्राफ जो हमें बनाना था, ये है हमारा बार ग्राफ जो हमें बनाना था, उसमें बोला था रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन अबव गिवन अबव ग्राफिकली, तो ये दिस इज द बार ग्राफ, आप इसको भी शेयर कर सकते हो, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर टू और थ्री का आंसर आपको मिल गया है। क्वेश्चन नंबर टू का आंसर है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस, क्योंकि उसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा हाई है। और नेक्स्ट है थर्ड है कि ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स। तो नंबर वन फैक्टर मैंने आपको बताया, हमारे पास मेडिकल सिस्टम इतना हमारा स्ट्रांग नहीं है, एंड सेकंड लैक ऑफ एजुकेशन। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर वन इज डन, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डाटा ऑन द नंबर ऑफ गर्ल्स ऑफ द नियरेस्ट 10 per 1000 बॉयज इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इज गिवन बिलो। हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, नियर एससी एसटी, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, रूरल एंड अर्बन। तो हमें ये गिवन है और इनमें नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज हमें गिवन है। सो हमें करना है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव बाय अ ग्राफ, हमें इस इंफॉर्मेशन को बाय ग्राफ प्लॉट करना है। सेकंड है, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजंस कैन बी अराइव एट फ्रॉम द ग्राफ। और हमें ये बता रहे हैं कि ग्राफ से हमें कौन कौन से कंक्लूजंस पता चलते हैं, क्या पता चलता है। क्लियर? तो हम ग्राफ बनाते हैं, सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। क्लियर? अब इसमें क्या है, हमारे पास यहाँ पे जो ये है एक्स एक्सिस, इसके अलोंग तो हम सेक्शंस लिख देंगे जो हमारे पास सेक्शंस होंगे। और जो एक्स एक्सिस होगी हमारी, इस पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। सो यहाँ हो जाएगा हमारे नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे सेक्शंस। क्लियर? अब हमारे पास जो नंबर ऑफ गर्ल्स है उसमें सबसे कम है 910 और सबसे मैक्सिमम जो है वो है 970। तो अब हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? अब इसका हमें ग्राफ 900 से स्टार्ट करना होगा। तो हम यहाँ 0 से 900 पे सीधा ग्राफ तो स्टार्ट कर नहीं सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ग्राफ को ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं, दिस इज द ग्राफ और इसको हम ऐसे ब्रेक कर देते हैं। क्लियर? ये हमारा ग्राफ ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे 0 है, अब हम यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं और हम स्टार्ट करेंगे 900 से। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 900। नेक्स्ट हम जाएंगे लिखेंगे 910, फिर लिखेंगे 920। जब भी कभी भी आपके पास ऐसी बड़ी टर्म से स्टार्ट हो, और यहाँ पे तो 0 आएगा जहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मीट करते हैं, तो आप क्या करोगे, बीच में से ग्राफ को ब्रेक कर दोगे। क्लियर? 900, 930, 940, then 950, 960, then 970, then 980, and then 990, and last is 1000. क्लियर? ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज। अब हम यहाँ पे सेक्शंस में क्या लिखेंगे, हमारी जो कास्ट है, जैसे कि फर्स्ट हमारी कास्ट है एससी। क्लियर? नेक्स्ट है हमारी, दो का गैप ले लेते हैं, नेक्स्ट है हमारी एसटी। क्लियर? नेक्स्ट है नियर एससी एंड एसटी, नियर एससी एंड एसटी। नेक्स्ट है हमारी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। उससे नेक्स्ट है हमारी नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। और उससे नेक्स्ट है हमारी रूरल, एंड उससे नेक्स्ट है हमारी अर्बन। क्लियर? ये हमारे टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेक्शंस हो गए। अब 7 सेक्शंस में से हमें प्लॉट करना है कि किसमें नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज है। तो सबसे पहले शेड्यूल कास्ट में है 1940, तो हमें 1940 के लिए प्लॉट करना है। यहाँ पे है हमारे पास 940, तो ये हो गया हमारे पास 940 का ग्राफ। तो यहाँ हम लिख देंगे ऊपर एससी, बिकॉज ये शेड्यूल कास्ट का था 940। सो इसको भी हम
कर देते हैं शेड। नेक्स्ट है हमारे पास एसटी जो कि है 970, तो 970 हमारे पास यहाँ पे है। सो अब हम प्लॉट करते हैं 970 जो कि यहाँ तक है। तो ये है ST, तो हम ऊपर लिख देते हैं इसमें ST, क्लियर। इसको भी हम शेड कर देते हैं, आप चाहो तो स्केल से अच्छे से शेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नियर ST एंड ST, वो है हमारे पास 920, तो यहाँ से हम चलते हैं 920 पे। सो दिस इज 920, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, ने बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट पे हम चलते हैं 950 है उसका, तो हम लगाते हैं 950 पे। सो दिस इज 950। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, तो अब इस पे भी हम 920 लगाते हैं। जो इंचज है आपके हर हर बारग्राफ के जो हम ये बना रहे हैं, इन सबके इंचज मतलब ब्रेथ जो है विथ जो है वो सेम होनी चाहिए, वो अलग नहीं होगी। नेक्स्ट है रूरल, रूरल के है 930, तो हम यहाँ सेंटर से ही हमेशा स्टार्ट करते हैं और जहाँ तक 930 है वहाँ पे हमने प्लॉट कर दिया, और इधर से भी ऐसे हमने प्लॉट कर दिया, और इसको ऊपर से जो है नेक्स्ट 910, तो ये हो गया हमारा बार ग्राफ। अब हम शेड कर देते हैं इसको भी। क्लियर। अब हम लिख देते हैं ये है हमारी नियर एससी एंड ST। नेक्स्ट है हमारी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट है हमारी नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट है हमारी रूरल, एंड लास्ट इज अर्बन। तो ये हो गया हमारा ग्राफ जिसमें कि हमने नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज और सेक्शंस को शो किया। नेक्स्ट है इन दिस क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। अब उसने पूछा कि आपके इसमें से क्या इंफॉर्मेशन, क्या कंक्लूजन निकालते हैं। तो वी फ्रॉम द ग्राफ वी फाइंड दैट द नंबर ऑफ गर्ल्स टू द नियरेस्ट 10 पर 1000 बॉयज आर मैक्सिमम इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेयर एज दे आर मिनिमम इन अर्बन एरियाज। तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम है वो कहाँ पे है शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, तो हम लिख देते हैं ये हमारे क्वेश्चन टू का आंसर हो जाएगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कौन से सेक्शन में है, वो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स में, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। और जो मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स है, मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स वो किस में है, हमारे अर्बन एरिया में, अर्बन एरिया में 910 है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2।